भारतीय संविधान में संसद की विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत धन विधेयक या मनी बिल से संबंधित कंप्लीट जानकारी डिस्कस करेंगे। धन विधेयक क्या है, कैसे पारित किया जाता है और इसका महत्व किस रूप में है, इससे संबंधित विवरण मूल संविधान के आर्टिकल 109 और आर्टिकल 110 में ही दिया गया है। इसलिए धन विधेयक का अध्ययन इन्हीं दोनों अनुच्छेद या आर्टिकल के अंतर्गत किया जाएगा। सबसे पहले है आर्टिकल 109। इस अनुच्छेद में धन विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पारित करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, अर्थात धन विधेयक संसद से किस प्रकार पारित होता है, इसे हम कुछ पॉइंट के आधार पर समझेंगे। सबसे पहला, धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, अर्थात राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक को लाया जा सकता है और यदि पूर्व अनुमति नहीं ली गई है तब वह धन विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट है कि जब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिल जाती है तब धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही आरंभ में प्रस्तुत किया जा सकता है। कभी भी धन विधेयक को शुरुआत में राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो पहले वह लोकसभा में रखा जाएगा और उसके पश्चात राज्यसभा को भेजा जाता है। धन विधेयक को लोकसभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक चूंकि भारत सरकार से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य होता है, इसलिए इसे कोई सरकारी सदस्य या भारत सरकार का मंत्री ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। धन विधेयक को कोई निजी सदस्य प्राइवेट मेंबर नहीं प्रस्तुत कर सकता। जब धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा अपने विचार विमर्श के पश्चात जब उसे पारित कर देती है तब यह दूसरे सदन यानी राज्यसभा में भेजा जाता है। तब धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की भूमिका या स्थिति किस प्रकार होती है? लोकसभा का स्पीकर धन विधेयक को प्रमाणित करके राज्यसभा को भेजता है और इसमें लिखा होता है कि यह एक धन विधेयक है और ऐसा करने से लाभ ये होता है कि राज्यसभा अब उस विधेयक के मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। राज्यसभा अब धन विधेयक के मामले में अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकती। इसलिए लोकसभा के स्पीकर लोकसभा से पारित होने के बाद उसके साथ अपना प्रस्थांकित पत्र या सर्टिफिकेट अटैच करके भेजते हैं। जब विधेयक राज्यसभा में आ जाता है तब राज्यसभा के पास कितने विकल्प हैं इस पर डिसीजन या निर्णय लेने के लिए, पहला, या तो राज्यसभा धन विधेयक को स्वीकार कर सकती है और यदि स्वीकार कर लिया तब कोई विवाद नहीं है और अब यह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जा सकता है। यदि राज्यसभा ने इसे स्वीकार नहीं किया या अस्वीकार कर दिया अथवा उसमें संशोधन कर दिए तब दोनों ही स्थितियों में इसे लोकसभा के द्वारा पसंद नहीं किया जाएगा। इसलिए राज्यसभा धन विधेयक को कैंसिल नहीं कर सकती, अस्वीकार नहीं कर सकती, उसमें संशोधन नहीं कर सकती, केवल अपनी ओर से कुछ सिफारिश उसमें जोड़ सकती है और उन सिफारिशों को भी मानना या ना मानना लोकसभा पर निर्भर करता है और राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम
14 दिन तक अपने पास रोक कर रख सकती है, और यदि 14 दिन से अधिक समय हो जाता है तब उसे पुनः लोकसभा के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। और इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि धन विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किया गया है, यानी 14 दिन की अवधि में राज्यसभा से सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए औपचारिक रूप में अपनी राय प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। राज्यसभा इस संबंध में अपने विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती। संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन, यदि राज्यसभा धन विधेयक को रिजेक्ट कर देती है, अस्वीकार कर देती है, या उसमें ऐसे संशोधन कर देती है जो लोकसभा के द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में यदि सामान्य विधेयक होता तब तो उस पर संयुक्त अधिवेशन किया जा सकता था, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला करके उसे पास किया जा सकता था। किंतु धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को उसे अस्वीकार करने का और उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया ही नहीं गया, इसलिए इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों में धन विधेयक को लेकर के किसी भी प्रकार का गतिरोध, विरोध या डेडलॉक उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए धन विधेयक पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। और अंतिम पॉइंट है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं। धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति अपनी तीन प्रकार की वीटो शक्ति में से किसी का भी प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में रखा गया था, इसलिए संसद के दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है तब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति इस पर वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। अनुच्छेद 109 के अंतर्गत 5 प्रकार के क्लॉज या उपबंध जोड़े गए हैं, क्योंकि आईएएस एग्जाम में कई बार बहुत डेप्थ में जानकारी मांगी जाती है, इसलिए हमें आर्टिकल 109 के क्लॉज अथवा उपबंध को भी जानना चाहिए। अनुच्छेद 109 के उपबंध 1 में व्यक्त किया गया है कि धन विधेयक कभी भी आरंभ में राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। उपबंध 2 में कहा गया है कि धन विधेयक लोकसभा से आरंभ होता है और लोकसभा से पारित होने के पश्चात जब यह राज्यसभा में भेजा जाता है तब राज्यसभा इस संबंध में किस प्रकार का निर्णय ले सकती है, अधिकतम 14 दिन तक इसे अपने पास रोक सकती है। और उपबंध 3 में कहा गया है यदि राज्यसभा ने धन विधेयक के मामले में कोई सिफारिश की है और उस सिफारिश को यदि लोकसभा ने स्वीकार कर लिया है तब इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक माना जाएगा। उपबंध 4 में कहा गया है यदि राज्यसभा ने धन विधेयक के बारे में कोई ऐसी सिफारिश की है जिसे लोकसभा ने स्वीकार नहीं किया है तब इस विधेयक को लोकसभा द्वारा प्रस्तुत किए गए स्वरूप में ही पारित किया जाएगा और इसे अंतिम रूप से दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। और उपबंध 5 में यह कहा गया है कि राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है और 14 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात यह विधेयक ऑटोमेटिकली स्वतः ही लोकसभा को प्राप्त हो जाएगा और इसे दोनों सदनों के द्वारा पारित माना जाएगा। तो ये आर्टिकल 109 के क्लॉज हैं, उपबंध हैं, जो हमें याद रखने चाहिए।
धन विधेयक का दूसरा भाग है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा और अर्थ बताया गया है। आखिर धन विधेयक किस विधेयक को कहा जाता है? तो धन विधेयक की परिभाषा में कुछ ऐसे विषय शामिल किए गए हैं जिनमें से सभी विषय या कुछ विषयों के आधार पर ही उसे धन विधेयक के अंतर्गत रखा जाता है। परिभाषा में पहला पॉइंट है भारत सरकार द्वारा किसी कर का अधिरोपण करना, उत्सादन करना, परिहार करना, परिवर्तन करना या उसका विनियमन करना। ये सब टेक्निकल शब्द हैं, कठिन हैं, सरल शब्दों में समझते हैं। भारत सरकार द्वारा किसी कर का अधिरोपण यानी कोई नया कर लगाना, उत्सादन यानी किसी कर को समाप्त करना, परिहार यानी किसी कर का रिमिशन करना, उसमें मॉडिफिकेशन करना, सस्पेंड करना उस कर की राशि को, परिवर्तन कोई अल्टरेशन करना उसके स्लैब को, कर की दर को 20% से 10 करना या 10 से 15% करना या फिर उसका रेगुलेशन करना। ये सभी विषय यदि उसमें शामिल हैं तब उसे धन विधेयक मान लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, भारत सरकार द्वारा धन का उधार लेना और उधार लिए गए धन के संबंध में प्रत्याभूति देना यानी गारंटी देना या इससे संबंधित कोई विधि या कानून है तब उसमें संशोधन करना। सरल अर्थों में यह भारत सरकार देश के भीतर और विदेशों से धन उधार लेती है, ऋण लेती है। तो यह धन उधार कैसे लिया जाता है? भारत सरकार की संचित निधि के आधार पर। तो धन उधार लेना और धन उधार लेते समय गारंटी देना, प्रत्याभूति देना कि मैं इस धन को ब्याज सहित निश्चित समय में चुका दूंगा, इसका भुगतान कर दूंगा, या तो ऐसा कोई प्रावधान इसमें हो अथवा भारत सरकार के द्वारा कोई धन उधार लिया गया है या भविष्य में लिया जाने वाला है, इससे संबंधित कोई विधेयक पहले से है और उस विधेयक में सरकार अब कोई संशोधन करती है, बदलाव करती है, तब उसे धन विधेयक के अंतर्गत माना जाएगा। तीसरा पॉइंट है भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, कस्टडी। संचित निधि क्या होती है? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 266 आर्टिकल 266 में भारत की संचित निधि को व्यक्त किया गया है, परिभाषित किया गया है। ऐसी निधि या कोष जिसमें भारत सरकार का समस्त धन रखा जाता है, भारत सरकार की जो भी इनकम होती है जिस भी क्षेत्र से, वह पूरा रिवेन्यू इसी के अंतर्गत रखा जाता है और इसको मैनेज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आकस्मिक निधि का उल्लेख आर्टिकल 267 में हुआ है। आकस्मिक निधि या आपातकाल के लिए बनाई गई निधि यह राष्ट्रपति के अधीन होती है, राष्ट्रपति ही इसको कंट्रोल करते हैं। तो देन इन दोनों निधियों की कस्टडी से संबंधित कोई भी निर्णय यदि भारत सरकार इस रूप में लेती है कि दोनों निधियों में पैसा या धन जमा किया जाता है अथवा इनमें से धन निकाला जाता है तब उसे धन विधेयक माना जाएगा। अगला पॉइंट, संचित निधि में से धन का विनियोग करना, एप्रोप्रिएशन फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। संचित निधि में से जब भी धन निकाला जाता है तब इसके लिए सरकार को विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल लाना होता है। तो जब एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से हम संचित निधि से धन निकालते हैं तब उसे
धन विधेयक के अंतर्गत रखा जाता है। अगला पॉइंट ये है, यदि भारत सरकार संचित निधि पर कुछ अधिकारियों या व्यक्तियों के वेतन भत्ते सुविधाओं से संबंधित व्यय को खर्च को भारित करना चाहती है, तब उससे संबंधित जो भी निर्णय होगा धन विधेयक के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे कुछ ऐसे अधिकारी हैं भारत में जिनको सैलरी वेतन सुविधाएं संचित निधि से दिए जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हुआ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, और इनके अलावा यदि सरकार किसी अन्य अधिकारी को वेतन सुविधाएं देने के लिए उसे संचित निधि पर भारित करती है, तब उसे धन विधेयक की परिभाषा में शामिल किया जाएगा। अथवा संचित निधि पर किसी विषय से संबंधित व्यय की राशि या रकम को बढ़ाना, सरकार ने किसी क्षेत्र विशेष में या किसी योजना पर धन व्यय किया और वह बाद में कम पड़ गया, और यदि उस धन की राशि को बढ़ाना चाहती है सरकार, तब उस धन को संचित निधि से निकालने के लिए जो भी प्रयास किया जाएगा उसे धन विधेयक के अंतर्गत माना जाएगा। अगला पॉइंट है, संचित निधि या लोक लेखा निधि में से धन निकालना या जमा करना। लोक लेखा निधि क्या होती है? पब्लिक अकाउंट। लोक लेखा निधि का उल्लेख भी अनुच्छेद 266 में संचित निधि के साथ होता है। लोक लेखा निधि का अर्थ होता है लोक यानी जनता की निधि। जनता अपना धन विभिन्न निधियों में जमा करती है, जैसे भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड, पोस्ट ऑफिस की जमाएं, भारत सरकार की विभिन्न प्रकार की स्कीम। तो इनमें जनता के द्वारा जो धन जमा किया जाता है उस धन का उपयोग भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। इसलिए यहां कहा गया है कि इस निधि में से धन को निकालना या बाद में भारत सरकार के द्वारा इसमें धन को डिपॉजिट करना, जमा करना धन विधेयक की श्रेणी में माना जाएगा। अथवा संघ सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लेखाओं की संपरीक्षा करना, अकाउंट की ऑडिट करना, भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जितना धन खर्च किया जाता है उस धन की बाद में ऑडिट की जाती है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा, कैग के द्वारा। तो इस रिपोर्ट को और इस प्रक्रिया को धन विधेयक के अंतर्गत माना जाता है। तो धन विधेयक की परिभाषा में इन सभी पॉइंट को शामिल किया जाता है, या तो ये सभी हों या इनमें से कुछ पॉइंट हों, लेकिन किसी अन्य विधेयक का कोई अंश उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 110 भी चार उपबंधों में क्लॉज में विभाजित किया गया है, और आईएएस प्री परीक्षा के क्वेश्चन को पकड़ने के लिए हमें इन क्लॉज को जानना चाहिए। तो अनुच्छेद 110 का उपबंध एक या क्लॉज वन में धन विधेयक की परिभाषा में शामिल सभी विषयों का वर्णन किया गया है। तो उपबंध एक में ये सभी विषय बताए गए हैं, इनके आधार पर ही हम उसे धन विधेयक स्वीकार करते हैं। उपबंध दो में यह कहा गया है कि कोई भी विधेयक उस स्थिति में धन विधेयक नहीं माना जाएगा यदि किसी स्थानीय सरकार, पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम ने कोई नया कर लगाया है, कर को समाप्त किया है, कर की दर में परिवर्तन किया है, या सरकार ने किसी सेवा के बदले में कोई फीस की डिमांड की है, या व्यक्तियों पर कोई जुर्माना या पेनल्टी लगाया है, इन स्थिति में उसे धन विधेयक नहीं माना जाएगा। अर्थात धन विधेयक के लिए स्थानीय सरकार द्वारा
कर लगाना, उसमें बदलाव करना कोई भी मायने नहीं रखता है। भारत सरकार के संबंध में ही कर की व्याख्या सत्य मानी जाएगी। उपबंध 3 में यह कहा गया है, जब भी यह विवाद होगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, तब इस संबंध में लोकसभा स्पीकर का निर्णय अंतिम माना जाएगा। तो लोकसभा स्पीकर ही सर्टिफाइड करेंगे, प्रमाणित करेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। और उपबंध 4 में यह कहा गया है कि जब धन विधेयक लोकसभा से पास हो जाता है और राज्यसभा में जब भेजा जाएगा, तब उसे लोकसभा का स्पीकर अपने सर्टिफिकेट के साथ भेजता है। और जब राज्यसभा से पारित हो गया, यानी दोनों सदनों से पारित हो गया, राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा, तब भी लोकसभा का स्पीकर उसे अपने सर्टिफिकेट के साथ राष्ट्रपति के पास भेजता है। तो उपबंध 4 में लोकसभा स्पीकर के सर्टिफिकेट को अनिवार्य बनाया गया है। तो ये थी धन विधेयक की प्रक्रिया और धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगले वीडियो लेक्चर में हम विधेयकों से संबंधित शेष जानकारी प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।